और आज हम लोग बीजगणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये हमारी कक्षा 7 का टॉपिक है, ठीक है। कक्षा 7 का है ना कि 6 का? ये कक्षा 7 का टॉपिक है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चीज की शुरुआत हो रही है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें आयु संबंधित मतलब उम्र के जो संबंध होता है कि जैसे उनकी पिताजी उनकी बेटे से इतने साल छोटे हैं बड़े हैं, ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं इनका हम लोगों को समाधान करना। देखिए ये चीज जो शुरू हो रही है 7 से शुरू हो रही है, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे इसको ध्यान ला के पढ़ेंगे तो इसका आगे बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाला है, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है इस टॉपिक को। तो देखिए 7 में केवल एक चर के बारे में बात होगी। देखिए ये सवाल अच्छे से तब समझ में आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब एक सवाल लगाया जाएगा। देखिए मैथ है, आपको तभी समझ में आएगी जब उस पर आप हम एक दो सवाल लगाया जाए, ठीक है। तो चलिए एक सवाल लगाते हैं। याद रखना इसमें एक चर की बात हो रही है, एक चर का मतलब एक्स या फिर वाई एक चर होगा। अच्छा 8 में दो चर की बात होगी, तो हम दोनों करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम करेंगे एक चर के बारे में, फिर हम दूसरा करेंगे दूसरे चर के बारे में, ठीक है, दोनों चर के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं। एक सवाल लिखा हुआ है हमने, देख लीजिए। देखिए सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष पहले सुनील की आयु आशा की आयु के दोगुनी रही हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल है, कहा गया सुनील की आयु जो है आशा की आयु से 10 गुनी बड़ी है, ठीक है। किससे 10 वर्ष अधिक है, सॉरी कितनी 10 वर्ष अधिक है सुनील की आयु किससे, आशा की आयु। तो इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मानना किसकी आयु है भाई, भाई अधिक वाली नहीं मानना है, सुनील की अधिक है ना, तो हम मानेंगे आशा की आयु, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें मानना कौन सी किसकी आयु को है, ठीक है। सुनील की आयु को नहीं मानना है, अगर सुनील की आयु को मानेंगे तो हमको माइनस करना पड़ेगा उसमें से आशा की आयु निकालने के लिए, ठीक है। अगर आशा की मानेंगे इस तरह देख लीजिए तो अच्छे से समझ आए, दोनों तरीके समझा देता हूं। माना आशा की आयु एक्स हो गई तो सुनील की देख लीजिए, सुनील की आयु एक्स धन 10, यानी कि सुनील की आयु आशा की आयु से 10 वर्ष ज्यादा है, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं सुनील की आयु, माना सुनील की आयु एक्स है तो आशा की आयु क्या है, एक्स माइनस 10। यदि सुनील की आयु आशा की आयु से 10 वर्ष ज्यादा है तो इस तरह भी तो कह सकते हो कि आशा की आयु सुनील की आयु से 10 वर्ष कम है, तो इसमें कम किया गया इसमें ज्यादा, तो ये वाला बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको पता चल गई क्या, आशा की आयु और पता चल गई सुनील की आयु। अब सवाल में हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 5 वर्ष पहले, इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना है, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। अभी हम पहले वाला सवाल करते हैं, उसके बाद हम बाद वाला सवाल करेंगे। तो अगर 5 वर्ष पहले तो दोनों की आयु लिख लीजिए, आशा की आयु लिख लीजिए आपने और सुनील की आयु लिख लीजिए। ये आशा की आयु है, समझ लीजिए आशा है और ये सुनील की आयु। अब देखिए क्या कह रहा है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या हुआ होगा भाई, दोनों छोटे रहे होंगे, इस चीज को याद रखना है। अगर 5 वर्ष पहले कह रहा है यानी कि दोनों 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी कि पहले जब आएगा तो दोनों की आयु से घटाया जाएगा, तो दोनों की आयु से 5 वर्ष घटा देना है हमको, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले की बात आई यानी कि आशा की जो भी उम्र रही होगी उसको 5 घटा दीजिए, और सुनील की जो आयु आई है उसमें से 5 घटा दीजिए। अब देखिए क्या कहा गया है, कहा गया आशा की आयु की दो गुनी थी, ठीक है। सुनील की आयु क्या है आपकी, इसको अगर आप करेंगे तो आएगा कितना, माइनस का और प्लस का 5, ठीक है। तो सुनील की आयु ये है और आशा की आयु ये है। अब कह रहा है क्या भाई, सुनील की उम्र दोगुनी थी किसके, आशा की, यानी कि अगर आशा की उम्र को
दो गुना कर दिया जाए तो आपको कहा क्या पता चलेगा, सुनील की उम्र। तो आशा की आयु को अगर आप दो गुना कर रहे हैं, आशा की आयु है और ये सुनील की आयु, अगर आशा की आयु को दो गुना कर देंगे तो सुनील की आयु के बराबर हो जाएगी। देखिए बीज गणित में आयु संबंधित हो, चाहे चर अचर व संख्या ज्ञात करने वाला हो, चाहे दूरी वाला हो, कोई भी तरीके का सवाल हो, आपको सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ आपके अभ्यास और प्रैक्टिस पे आने वाला है। ठीक है, चलिए अब एक समीकरण बना लेते हैं 2x, जिसमें गुणा कर लेंगे तो 10 आएगा, ये x धन 5। अब इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, x वाले को इधर ले जाइए, 2x माइनस x और ये 5, और ये देखिए ये धन में बन जाएगा, ये निशान देखिए जो माइनस का है 10 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2x में से घट गया या 15। तो क्या आया, अब हम उत्तर की जांच नहीं करेंगे। तो आशा की क्या क्या आयु उम्र, आशा की आयु कितनी आई, 15 वर्ष। ठीक, तो अब सुनील की आयु यानी कि कितनी ज्यादा, 10 साल ज्यादा है, 10 में अगर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, 25 वर्ष। ठीक, क्या हो गया, आशा की आयु हो गई कितनी, 15, और सुनील की आयु हो गई 25 वर्ष। अब उत्तर की जांच कर लीजिए, क्योंकि उत्तर बीज गणित में एक चीज अच्छी रहती है, उत्तर की जांच आप कर सकते हैं, ज्यादा जांच नहीं होगा। ठीक है, उत्तर की जांच कर लीजिए। ठीक, तो क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है देखिए, 5 वर्ष पहले दोनों से घटाया है 10 और यह आया कितना 20। तो देखिए ये आशा की उम्र है और ये सुनील की उम्र, तो अगर हम आशा की उम्र को दो गुना कर दें इसको, तो सुनील की उम्र पता चल जाएगी, यानी कि जो आपने सवाल लगाया है वो बिल्कुल सही है। सवाल इस तरीके से भी लग सकता है, बहुत आसान सेम ही मेथड है, दो गुना वाली बात है, सेम चीजें करनी थी। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से भी कर सकते हो, सवाल इस तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से बता दिया। अब हम इसका एक सवाल और लेंगे, जो कुछ कर जिस अगले सवाल में आएगा, 5 वर्ष बाद में आपका है बस 4। इससे पहले वाले सवाल में आया था, पहले की बात भी थी, अब हमें बाद में या पश्चात की बात करें। ठीक है, तो चलिए सवाल पढ़ते हैं और फिर सवाल के हिसाब से हम चीजों को समझेंगे और उसको जानेंगे। ठीक है, हर सवाल का एक अलग सिस्टम होता है, ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें सेम रहती है। चलिए बात कर लेते हैं, देखिए माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, तो एक चीज को ध्यान रखना है, जो हम आयु मान रहे हैं, जो उम्र मान रहे हैं, तो वो होती वर्तमान उम्र। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु कितनी है, एक्स वर्ष। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु कर दीजिए, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु एक्स है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब तो फिर अगर माता की आयु वर्ष के 5 गुनी, माता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी, तो माता की उम्र कितनी होगी, इसका 5 गुना, यानी कि 5 से आप गुणा कर देंगे तो 5 वर्ष 5 गुना होंगे। अब देखिए क्या कह रहा, अब जिसको समझना है तो देखिए, इधर पुत्र की आयु लिख लीजिए, और इधर माता की आयु, माता की आयु लिख लिया आपने। ठीक है, इधर पुत्र की आयु कितनी आपने मान ली है, x मान ली है, और माता की क्या है, 5 गुनी यानी 5x। अब देखिए कह रहा 8 वर्ष पश्चात, इस चीज को बिल्कुल समझना है, इस सवाल की समझने यही इंपॉर्टेंट है, 8 वर्ष पश्चात का मतलब है दोनों की उम्र बढ़ेगी ना, ऐसा तो है नहीं माता जी इतने की रहेंगी और पुत्र जी बढ़ते जाएंगे, तो 8 वर्ष पश्चात की जब बात हो रही है तो दोनों में 8 जोड़ देना है, पहले वाले में दोनों से घटाना है और बाद वाले में दोनों में जोड़ देना है, इस चीज को याद रखना, दोनों में करना है। देखिए उम्र जो होती है मेरी बढ़ रही है जो, और मेरे पापा की जो बढ़ रही होगी, दोनों गए भाई 5 साल का अंतर आएगा, भाई 5 साल में बढ़े तो 5 साल तो हमेशा बढ़े ही रहेंगे ना हमसे। ठीक है, उम्र उनकी भी बढ़ रही है और देखिए 8 वर्ष पश्चात यानी कि 8 उनको भी जोड़, अब देखिए क्या कह रहा है, 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये अगर हम पुत्र की आयु 3 गुनी कर दें तो माता की उम्र के बराबर हो जाएगी।
यानी कि अगर हमने पुत्र की आयु को तीन गुना किया है तो माता की उम्र बराबर हो जाए कब, 8 वर्ष पश्चात की बात हो रही। चलिए अब एक समीकरण इसको खोल लेते हैं, ब्रैकेट 3x और 3 और 24 5x धन 8, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस वाले को इधर ले आइए और इस वाले को इधर ले जाइए, 5x-3x और ये 24-8, ठीक है, डाल दीजिए 2x हुआ और ये 24 में से घटाएंगे 16 और ये 2 यानी कि 8। तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु कितनी आई 8 वर्ष, ठीक है। तो माता जी की कितनी होगी, माता जी के कितनी गुनी 5 गुनी कितनी होगी 8×6=40 वर्ष, ठीक है। अब उत्तर की जांच भी कर लीजिए, चलिए देखिए ये पुत्र की आयु और ये पुत्र की आयु और ये माता की आयु दोनों में 8 जोड़ दीजिए, 48 हो गया, 4 जोड़ेंगे 40 में ये हो जाएगा 16 एकदम छोड़ो, 16 यानी कि 16×3=48, 16 और 48 का रेशियो क्या है 1/3, यानी कि 16 में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपका जो उत्तर आया है वो सही होगा, ठीक है। 8 वर्ष पश्चात जो बेटा होगा वो 16 साल का हो जाएगा और उसकी माता जो हो जाएगी 48 ईयर्स की। तो फिर आपने जो सवाल लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो बेसिक फंडा ये है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जब बात हो जाए पहले की तो घटाना है, दोनों में घटाना है, ठीक है। इसको याद रखना होगा आपको कि आयु है पिता से भी घटेगी और पुत्र से भी, जिससे दो लोग जो वहां पे मौजूद होंगे क्वेश्चन में उन दोनों से वो आयु घटेगी, ठीक है। और पश्चात वाले की जब बात आएगी तो दोनों में आयु जुड़ जाएगी, ठीक है। जो भी आयु रही हो या होगी सवाल में तो दोनों में जोड़ देना है, और बाकी का जो सवाल कहता है 2 गुनों में जाए तो 2 गुनी कर देना है, फिर 2 इक्वेशन बना लेना है, इक्वेशन करके अचर राशि को मान निकाल लेना। बीजगणित में करते ही क्या है, अचर राशि को ही तो ढूंढ रहे हैं इतनी देर से। इसके बाद देखिए ज्यादा कठिन नहीं है, एक चर वाले में तो एक चर वाला हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे 2 चर वाला, यानी एक्स भी वाई भी, ठीक है। तो एक अच्छा 7 का टॉपिक है और आसान सा है, ज्यादा कठिन नहीं है। कठिन इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए कोई भी चीज होती है शुरुआत में बहुत टफ लगती है, लेकिन जब आप करने लगोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। जैसे मैथ्स को जब मुझे पढ़ाना होता है तो मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। बस थोड़ा सा देखना पड़ता है कितना पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि 7 वाले क्लास में 8 का भी पढ़ा दो, ठीक है। तो इस चीज़ को मुझे फोकस करना पड़ता है कि हाँ कितना पढ़ाना है, वरना मुझे मैथ्स में बिल्कुल तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। मैथ ऐसी चीज़ ही होती है कि एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहने वाली है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप रिवाइज करोगे तो याद रहेंगी, लेकिन मैथ है चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो और फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ।